हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। मैं राजदीप आप लोगों का वेलकम करता हूं हमारे चैनल फिरंगी भाव पे। तो आज हम बात करेंगे 12 मोस्ट अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट इंडिया। तो इस वीडियो से पहले जो भी इंडियन व्यूअर्स हैं उन लोगों से मेरी खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। अरे चलो भाई कर भी लो, इसमें कोई पैसा थोड़ी लगता है। तो अपना दिल थाम के बैठ जाए हमारे 12 मोस्ट अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट इंडिया के पहले फैक्ट्स के लिए। नंबर वन, हमारे भारत की कुल आबादी पूरी दुनिया की 17% है, यानी कि करीब करीब 1.2 बिलियन या फिर 120 करोड़ है। मानो न मानो हमारे इस वीडियो के खत्म होने से पहले ये 2% तक बढ़ चुकी होगी। अगर इसी तेजी से ये बढ़ती रही तो 2022 तक ये चाइना के टोटल पॉपुलेशन से भी ज्यादा हो जाएगी। 2026 तक ये आबादी कुल 160 करोड़ हो जाएगी। नंबर टू, कुंभ मेला हमारे देश के सबसे बड़ी तीर्थ यात्राओं में से गिनी जाती है। इसमें लोग पवित्र नदी गंगा के किनारे इकट्ठे होकर पूजा और पवित्र स्नान करते हैं। 2013 में इस मेले में करीब करीब 120 मिलियन लोग यानी कि 12 करोड़ लोग आए थे। ये भक्तों का जमावड़ा इतना बड़ा था कि इसे स्पेस से भी देखा जा सकता था। फैक्ट नंबर थ्री, अगर हम इंडिया के पास्ट के बारे में बात करें तो ये एक बड़े आइलैंड का हिस्सा हुआ करता था। क्या ये आप जानते थे? उस आइलैंड का नाम गोंडवाना लैंड था, जो एक सुपर कॉन्टिनेंट था। ये अलग होने के बाद एशिया से टकराया। ये टकराव इतना जबरदस्त था कि इसके कारण हिमालय के पर्वत श्रृंखलाएं खड़ी हो गईं। ये पहाड़ नए हैं पर दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ों में गिने जाते हैं। फैक्ट नंबर फोर, हमारे इंडिया में सड़क हादसे किसी भी दूसरे कंट्री से सबसे ज्यादा होती है। 2016 में एक्सीडेंट की कुल संख्या 1,15,000 रही है, जो कुछ कंट्रीज की कुल आबादी से भी ज्यादा है। फैक्ट नंबर फाइव, और ये सबसे चौंका देने वाली बात है, मैं हमेशा से यही सोचता था कि हॉलीवुड दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, पर असल में इंडिया सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। ये साल में 1100 फिल्में रिलीज करती है, जितने की एक साल में दिन भी नहीं होते। अब आप यही सोच रहे होंगे कि ये बॉलीवुड है, जो असल में सही नहीं है। बॉलीवुड इनमें से सिर्फ 200 फिल्में ही रिलीज किया करती है, बाकी के अदर इंडस्ट्रीज रिलीज करते हैं। फैक्ट नंबर सिक्स, इस बात के लिए हम लोगों को खुश होना चाहिए कि हमारे इंडिया में कुल 6 मौसम पाए जाते हैं। कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जिन्हें साल भर एक ही मौसम से काम चलाना पड़ता है, स्प्रिंग, समर, मॉनसून, ऑटम, विंटर, और कुछ लोग कहते हैं परवेनल। फैक्ट नंबर सेवन, मुंबई हमारे धरती की सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी है। ये इतनी पॉल्यूटेड है कि अगर आप यहाँ एक दिन भी गुजारते हैं तो वो 100 सिगरेट के बराबर होगी, जो आपको बीमार, काफी बीमार, बहुत ज्यादा बीमार कर सकती है। फैक्ट नंबर एट, अगर आप हमारे देश में एक पुलिस ऑफिसर हैं और आप एक दबंग मूछ रखते हैं तो आपकी सैलरी बढ़ सकती है। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि मेरी भी पुलिस में नौकरी हो जाए और मैं भी बड़े बड़े मूछे रखूंगा। फैक्ट नंबर नाइन, इंडिया एक वो कंट्री है जिसने पिछले 1,000 सालों में किसी दूसरे कंट्री पर कब्जा नहीं किया। कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं 9,000 साल। ऐसा इसलिए कि इंडिया पहले से ही बहुत रिच कंट्री है, और या फिर ये भी कह सकते हैं यहाँ के राजा आपस में ही लड़ने में बिजी थे। फैक्ट नंबर टेन, हमारा इंडिया पूरे दुनिया को 70% मसाले एक्सपोर्ट करता है, और ये पाकिस्तानी बोलते हैं कि हम तो मैक्सिको से मसाला लाते हैं, तो आखिर ये हंसने की बात है। नंबर 11, जहां हम लोग पाकिस्तान और टेररिज्म की बात करते हैं, हम लोग अपने देश के कुछ जरूरी प्रॉब्लम्स ही भूल गए हैं। गर्ल्स गेटिंग मोलेस्टेड, जो हमारे इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हर घंटे 1500 लड़कियां मोलेस्ट की जाती हैं किसी ना किसी के द्वारा, तो इससे यही लगता है कि हमारी गवर्नमेंट सो रही है। फैक्ट नंबर 12, हमारे इंडिया में एक एयरलाइन है गो एयर, जहां हम लड़कियों की बात कर रहे हैं, ये कंपनी सिर्फ लड़कियों को ही काम देती है। और क्यों? इनका कहना है कि लड़कियां लड़कों से हल्की होती हैं, जिसके कारण ये लोग 40 करोड़ रुपए बचा लेते हैं तेल पे। वाह, बहुत ही शॉकिंग न्यूज थी। इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर आप एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं और अगर आप गो एयर्स की तरह कंजूस नहीं है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर हमने कुछ मिस कर दिया हो तो प्लीज उसे कमेंट में मेंशन करना ना भूलें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।